ट्रिप हैज बीन स्टार्टेड। मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद, वेलकम टू माय चैनल देसी ट्रैवलर्स। हम यहाँ पर एक शिवजी के मंदिर के पास आ रहे हैं, जाने वाले हैं, और ये भिवंडी के नज़दीक में स्थित है। और हम लोग है ना, ये काफ़ी दूर तक हम लोग का बाइक आती है यूजुअली। देखो ये देखो रास्ता कैसा है, काफ़ी दूर तक यूजुअली बाइक तो आ जाती है, उसके थोड़ा सा आगे हम लोग को सीढ़ियों से चलना पड़ता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे जाएंगे हम लोग। और ये मेरा भाई विनय, हाय। निखिलेश, हाय हाय। नितिन, नमस्कार नमस्कार। अखिलेश, सो वंस अगेन दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल देसी ट्रैवलर्स। द फर्स्ट वीडियो आई एम गोना शूट इज ऑल अबाउट मंदिर, शिव जी के मंदिर के बारे में। मैं भी यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो सुनने में आया है कि काफी पुराना मंदिर तो है नहीं है, पर पता नहीं, देखना पड़ेगा। हो भी सकता है पुराना हो या नहीं भी हो। यहाँ से भी रास्ता है, देख शॉर्टकट है। अच्छा, हम लोग शॉर्टकट वाली रास्ता ले रहे हैं। हम लोग ट्रैक करने वाले हैं यहाँ से। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आप लोगों को ऐसे घुमा कर बताऊंगा। ये देखो लोग कैसे चढ़ रहे हैं, ये देखो। हर हर। हाँ हाँ, बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है, 5 किलोमीटर हमने मिस किया। ये एक शॉर्टकट है, पर हम नहीं जाने वाले। शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, तुम लोग पीछे आ जाओ। अच्छा, अरे ये देखो व्यू। It's a wonderful place. You all can come with your family as well. आप लोग family के साथ भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाँ, ये देखो शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट, ये हमारे लिए नहीं है। Much more than that.
देखो ऐसा स्पॉट है जो पता नहीं है, ऐसा स्पॉट ये जो मंदिर है और ये स्पॉट है, पीपल डोंट नो अबाउट दिस स्पॉट। लोकल जो लोकल से उनको ही पता है, मतलब बाहर लोगों को नहीं पता। इट इज वेरी यूज़फुल, मतलब बहुत अच्छा प्लेस, बाहर के लोग भी आ सकते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस, काफी नेचर है, वन कैन रियली एंजॉय दिस स्पॉट। दोस्तों हम मंदिर पहुंच गए। आज मौसम काफी अच्छा है, बारिश नहीं है। इट सीम्स वेरी नाइस। खाली बोलो, पूरा अपना हरा भरा है, जंगल है। अभी बारिश का सीजन है, पूरा हरा भरा है, नहीं तो गर्मी हो जाता है। तो पूरा ये अपना पूरा सूख जाता है, पेड़ को घास भी से नहीं रहता है। मस्त इधर से इधर तक आपको जाने आने के लिए इधर से भी जा सकते आ सकते हैं, ये साइड से भी आ सकते हैं जा सकते हैं। तो ये सारा पेड़ तो गर्मी का मौसम में होता होगा ना? हाँ। खाली ये घास नहीं होता होगा? नहीं नहीं, घास नहीं रहता है, फक्त पेड़ पेड़ तो सब रहता है। ओके ओके। और वो अपना वराल देवी तालाब है क्या? नहीं, वराल देवी तालाब ये है। वो वाली है। हाँ, ये है। वो जो है वो वराल देवी। और ये कौन सी है? ये वो नदी है क्या? हाँ, आपको बजरंग बली की मूर्ति भी दिखाता है, वो देखिए सामने वो जो दिख रहा है बजरंग बली की मूर्ति, बड़ा वाला पहाड़ के इस तरफ। हाँ, आपके सामने, आपके सामने देखिए। हाँ हाँ हाँ, देखो छोटा वाला पहाड़, छोटा जो है ना उसके बीच में खड़ा है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ ना, है पहाड़ स्टार्ट होता है ना उधर ही, देखो बीच में कैसा स्टैंड है। हाँ ना, हाँ ना, देखो देखो पहाड़, ये जो स्टैंड इधर इधर एक स्टैंड है, ये देखो ये देखो, ये स्टैंड दिख रहा है, ये वाला एकदम स्मॉल स्टैंड है। वो वही बोले, वही देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ। हाँ, ये जो है ना ये दिख रहा है। हाँ, ये जो स्टैंड दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली ये स्टैंड। हाँ, ये पूरा है ग्रीन के एकदम व्हाइट व्हाइट, कुछ जब व्हाइट 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 दिख रहा है, ये छोटा वाला पहाड़ दिख रहा है ना। देखो दिखा ना आपको, वही है क्या है। बारिश का मौसम है और धुंधला काफी कुछ है, इसके लिए वो नजारा में मजा नहीं आ रहा है। हाँ। पर देखा जाएगा तो काफी अच्छा नजारा है यहाँ से। दोस्तों ये जो मंदिर है ये भिवंडी सिटी में है और भिवंडी सिटी के अंदर टेमगर गांव के अंदर है। ये जो भिवंडी सिटी है ये मुंबई के करीब में है, जो 50 किलोमीटर दूर है मुंबई से। और यहाँ पर आना कैसा है, जब हम टेमगर आएंगे भिवंडी, टेमगर है कहाँ पे, टेमगर आता है कल्याण भिवंडी बाईपास के काफ़ी करीब में। और टेमगर से आप किसी को भी पूछ लेंगे दिंडीगढ़ शिव मंदिर कहाँ पे, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। पूछ कर आना है आपको। वहाँ पर बाइक और कार दोनों जाती है, आधी दूर तक जाती है पहाड़ की, आधी रास्ते तक अच्छी खासी रोड है, वहाँ तक तो बाइक और कार चली जाती है। फिर उसके बाद में हमें चल के ऊपर चढ़ना होता है। और ये जो मंदिर है करीब 2500 फीट के हाइट पर है, 2500 फीट ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो और ये 25 से 30 साल पुराना मंदिर है, कुछ 1900 के करीब में, 1990 के अंदर या 1995 के आसपास में ये मंदिर बनी गई है।
और यहाँ से इस इतनी ऊंचाई से पूरी की पूरी भिवंडी शहर दिखती है, जैसे कि एक बर्ड आई व्यू कैसे होती है वैसे दिखती है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, इट्स ए वंडरफुल व्यू। और ये जो जूम करके मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये है एक्चुअल यहाँ पे इस लोकेशन पे, यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है वहाँ पे है एग्जैक्टली हनुमान जी की मूर्ति, जो हम इसके पहले थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे हनुमान जी की मूर्ति के बारे में, वो एग्जैक्ट प्लेस यही है। वो मंदिर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो वराल देवी मंदिर के पास स्थित है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो सोचिए 20 किलोमीटर दूर जो 50 फीट की जो मूर्ति है हनुमान जी की वो हमें दिख रही है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you for watching. Meet you in my next video.